केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश के 140 करोड़ लोगों के मन में भाव को जागृत करने का माध्यम है। विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक मार्ग है। मंगलवार को अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। हर घर तिरंगा अभियान पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से जिस तरह से देश में तिरंगे को लेकर एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नई उमंग लोगों के बीच में आई है, यह निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अकुर्णीय काम हुआ है। तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। हमको उन अमर बलिदानों का पुण्य स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने और देश को आजाद कराने के लिए अपने काम को देश की बलि देवी पर समर्पित किया। तिरंगे ने आजादी के बाद देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन समर्पित करने का अवसर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल से दुनिया के जिस किसी देश में भारत का बेटा या बेटी रह रहे हैं वो सम्मान के साथ अपने तिरंगे को लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है। भारत की तरफ देखने का नजरिया विश्व भर में परिवर्तित हुआ। ये भारत की विदेश नीति, भर्ती शक्ति और सामर्थ्य है। वहीं जयपुर में सेना के जवान के साथ पुलिस थाने में हुए दुर्व्यवहार के सवाल पर शेखावत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार सुबह भारत मंडप से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विशाल बाइक रैली का भी रवाना किया है। बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी ने भागीदारी की। बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शेखावत ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान एक नई भावना है। पिछले 3 साल से जिस तरह से देश में तिरंगे को लेकर के एक नया जोश, एक नए जुनून, एक नई उमंग देश के लोगों के बीच में आई है कि निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अनुकरणीय काम हुआ है। भारत का तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक तो है ही, उसके साथ साथ में हम सबको उन सभी अमर बलिदानियों का पुण्य स्मरण भी कराने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को देश की बलिवेदी पर समर्पित किया। तिरंगा उन सारे शहीदों का भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आजादी के बाद में सीमाओं पर अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया, देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिन पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के सिपाहियों ने, सेवीरों ने जो अपने आप को देश की बलिवेदी पर समर्पित किया, उन सबको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के साथ साथ में भारत 2047 तक विश्व का समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बने, देश के 140 करोड़ लोगों के मन में इस भाव को जागृत करने का एक माध्यम भी है। विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने का एक मार्ग भी है। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे और अब तो पिछले 3 साल से तिरंगा देश की सीमाओं को चोट लांग करके भारत का बेटा, भारत की बेटी दुनिया के जिस किसी भी देश में रह रहे हैं वो सम्मान के साथ अपने तिरंगे को विश्व भर में लहरा रहे हैं। देखिए, अभी तो जिस तरह से भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ा है और भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरह से विश्व भर में परिवर्तित हुआ है, ये भारत की विदेश नीति और भारत की बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। सेना के जवान के साथ जिस तरह जयपुर में लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जांच के बाद में इसमें निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होनी चाहिए।